क्या आप भी परेशान हैं अपने पेंटिंग में इस तरीके की प्रॉब्लम से, खास तौर पर ड्राइंग में? अगर हम पेंसिल और चारकोल का यूज़ करते हैं तो अक्सर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये देखिए, हमने यहाँ पर पेंसिल सेट किया, उसके बाद हमने जब इसके ऊपर कवर करने के लिए एक पेपर रखा तो पेपर पर ये पेंसिल आ गई, जिससे कि इसकी शाइनिंग भी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है और हमारे चित्र में काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आइए इसी का हम समाधान देखते हैं और कैसे हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। देखिए, रबर से भी इसका बाद में निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, यहाँ से इस सरफेस पर लगा और कई बार इस पेपर का इस पर लगने से ये सारी क्या होती है, इधर उधर फैल जाती है। तो इसके लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अक्सर तरह हम ड्राइंग करके अपने ड्राइंग को यूं ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो उसके बाद हम ज़रूरी है कि हमें उसके कैसे हमें ड्राइंग फिक्स करनी है, कैसे हम उसे सेव रख सकते हैं जिससे कि काफ़ी टाइम तक वो ड्राइंग रह सके, और अगर हम उसके ऊपर पेपर भी रख दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, मैं कुछ ड्राइंगें दिखाता हूँ, ये काफ़ी समय से रखी हुई है मैंने, लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ये पेपर पूरी तरीके से इसमें सेव है। तो अपनी पेंटिंग को बनाने से ज़रूरी एक काम और है कि कैसे हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं जिससे कि वो जैसी बनी है वैसी काफ़ी लंबे समय तक रह सकती है। ये चीज़ें हर किसी में आती हैं, हम ऑयल पेंट कर रहे हैं, एक्रेलिक कर रहे हैं, हम कोई भी मीडियम में वर्क कर रहे हैं, तो उस मीडियम में अपने वर्क को प्रिजर्व करना हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है। तो इसीलिए हम इसमें पेंसिल में हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारा पेंसिल का वर्क काफ़ी लंबे समय तक सेव रह सकता है और हमें उसे रखने में आसानी हो सकती है। ये देखिए, हमारा वर्क एकदम सेफ है जिससे कि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन ये देखिए, ये वर्क भी जैसा था वैसे ही एकदम सुरक्षित है सही तरीके से। ऐसी हम कई बार पोर्ट्रेट बनाते हैं और भी इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं, क्योंकि जो वर्क हमने बना दिया वो वर्क अपने आप में कंप्लीट इम्पोर्टेंट वर्क होता है, इसलिए ज़रूरी होती है कि उसकी सेफ्टी पहले रहती है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम इसे सेफ रख सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास फिक्सेटिव हैं तरह तरह के, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और हम इन फिक्सेटिव के माध्यम से अपने वर्क को सेव कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से फिक्सेटिव हमारे पास हैं। आर्फिना का फिक्सेटिव है, आर्टिस्ट फिक्सेटिव, ये आर्टिस्ट इसमें लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए, आर्टिस्ट फिक्सेटिव पे हमें एक अच्छा फिक्सेटिव अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें पेंसिल, चारकोल, पेस्टल सभी के लिए हमें अवेलेबल हो जाते हैं। ये देखिए, फॉर ऑयल एंड एक्रेलिक इसको हम अभी रखते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो है फोकस पेंसिल और चारकोल को सेव करने के लिए है। तो हम बात करते हैं पेंसिल और चारकोल को सेव करने के लिए कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करें। तो ये देखिए, एर्फिना का फिक्सेटिव है फॉर पेस्टल, चारकोल चारकोल एंड पेंसिल के लिए। तो हम इस टाइप के तरह तरह के हमें फिक्सेटिव मिल जाते हैं, हम इन फिक्सेटिवों का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं इनका यूज़ कैसे किया जाता है और कैसे हम इसमें हमें और क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। ये देखिए, हमारे पास एक चारकोल का स्केच बना हुआ है। इस स्केच को सेव करने के लिए हम यहाँ पर फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कभी भी स्केच ख़राब हो सकता है। तो इसलिए देखिए, हमने इसमें कैसे फिक्सेटिव का यूज़ किया है। ये फिक्सेटिव यहाँ से प्रेस करके, यहाँ से हल्का सा प्रेस हम इसे करें तो बड़ी तेज़ी के साथ ये स्प्रे करता है, जिससे कि हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। और ध्यान ये रखें कि जब हम इसका स्प्रे करें तो एक फिक्स इसमें दूरी बनी रहे, क्योंकि अगर हम नज़दीक से करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से उस पर छोटे छोटे स्पॉट्स हमारे पेंटिंग्स में बन जाते हैं, जिससे कि पेंटिंग ख़राब हो सकती है। तो इसमें थोड़ी सी दूरी होना जरूरी है, और जहाँ पर इसका एक सही सा स्प्रे रहे उतनी दूरी पर हम स्प्रे करते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में उसे बाउंड कर देते हैं। तो ये बाइंडर जो है, अगर हम और कलर्स करते हैं तो उसमें ऑलरेडी बाइंडर रहता है, बट इन कलरों में, ड्राई कलर्स में बाइंडर नहीं रहता, उसीलिए हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। और इसको यूज करने में एक सावधानी, थोड़ा सा अपने नाक पे आप कपड़ा हल्का लगा सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी स्मेल आती है और वो काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। ऐसे हम खुली हवा में कर रहे हैं तो और ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पर हम आपको डेमो के लिए यहाँ पर इसे यूज कर रहे हैं। अगर आप आउटडोर वर्क कर रहे हैं या अगर इंडोर भी वर्क कर रहे हैं, और अगर आपको अपना वर्क फिक्स करना है, तो ये राय आपके लिए रहेगी कि इसे खुली हवा में करें। ये देखिए, अब हम बताते हैं कि किस तरीके से इसको
फिक्स किया जाता है, ये हम पेंटिंग को रख लेते हैं अपनी एक स्पेशल पोजीशन में और थोड़ी दूरी से हम इसका स्प्रे यहाँ से करते हैं। ये पेंटिंग के अकॉर्डिंग है और कितना उसमें हमने वर्क किया है, अगर ज़्यादा वर्क है तो हमें स्प्रे थोड़ा सा ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना कुछ ही स्प्रे में काम बन जाता है। तो ये आज का वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली आर्ट से संबंधित काफ़ी जानकारी आप तक पहुंच सके, और हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे नई जानकारियां आपके बीच में लाते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।